नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में मुंह में होने वाली परेशानियों और उनके समाधान के बारे में बात करेंगे। पर पहले हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी में दांतों का इलाज करवाने से पहले इतना ध्यान देने की ज़रूरत क्यों होती है और दांतों और मुंह में परेशानियां होती क्यों है। क्योंकि प्रेगनेंसी में मां के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे सिर्फ मुंह में ही नहीं पूरे शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिसमें कि सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मुंह में होने वाले परिवर्तन और उनके समाधानों के बारे में बात करेंगे। और आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेगनेंसी में हम दांतों का इलाज नहीं करवा सकते। आप प्रेगनेंसी में भी दांतों का इलाज, मतलब कि डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पर आप अपने डेंटिस्ट को सबसे पहले ये बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं और उसके साथ ही ये भी बताएं कि कौन सा सप्ताह या कौन सा महीना चल रहा है, जिससे क्या होगा कि डॉक्टर को जो भी सावधानियां लेनी होंगी वो करेंगे और साथ ही आपको दवाई कौन सी देनी है वो भी निर्धारित करेंगे। साथ ही हो सके तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट, जिनसे आपका रेगुलर चेकअप चल रहा है, उनसे सलाह लेकर ही आप डेंटिस्ट से इलाज करवाएं, जिससे कि आपको और आपके बेबी को परेशानी ना आए। अब आगे परेशानियों पे चलने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब हम हर शनिवार को लाइव होंगे, लेकिन इसका कन्फर्मेशन हम शुक्रवार को ही दे पाएंगे कि हम शनिवार को लाइव होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आगे अब हम परेशानियों पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला है मसूड़ों में सूजन। प्रेगनेंसी में मां के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मसूड़ों से खून भी आता है और वहाँ पे दर्द भी होता है, और खाना खाते हैं तो वहाँ पे खाना भी फंसता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके दांतों में टार्टर जमा है, जो कि दांत और मसूड़े के जॉइंट पे दिखता है, जो कि बाहर भी दिख सकता है और जीभ के साइड में अंदर की साइड भी दिख सकता है, तो उसको साफ करवाएं और फिर माउथ वॉश और सॉफ्ट टूथ ब्रश से अच्छे से ब्रश करें। बाकी ब्रश करने के तरीके पे हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। दांतों की सफाई, पॉलिशिंग वगैरह आप प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में करवा सकते हैं। और अगर आपके दांतों में टार्टर जमा नहीं है तो सुबह शाम खाना खाने के बाद अच्छे से ब्रश करें और माउथ वॉश को मुंह में घुमाएं। माउथ वॉश के बहुत से ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का ही इस्तेमाल करें। साथ ही ब्रश में भी उसकी वैरायटी लिखी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्रश में भी ऊपर सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो आप इसे देख के ही ब्रश खरीदें। अगला है दांतों में गलन या कैविटी। प्रेगनेंसी में मसूड़ों में सूजन आने की वजह से या जीभ मचलाने की वजह से दांतों की साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दांतों की साफ सफाई अच्छे से हो। पर दांतों में गलन की वजह से दर्द है तो इमरजेंसी में, या जैसी अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो ऐसे में भी आपको दांत का दर्द सहन नहीं करना है, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं होता। दर्द के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसे वहां देख सकते हैं। पर वो सिर्फ टेम्परेरी इलाज है। प्रॉपर इलाज के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, जिससे कि अगर आपके दांत में रूट कैनाल करना हो तो रूट कैनाल प्रोसीजर होगा, जिसमें कि प्रेगनेंसी में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा, जिनके साथ ही आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। इस पर भी हमने पहले वीडियो बनाया है, जिसका कि ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, जिसमें हमने मरीज पर लाइव वीडियो में दिखाया है कि रूट कैनाल कैसे होता है। नॉर्मली आरसीटी का जो प्रोसीजर होता है वो प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के बीच का समय होता है, मतलब कि चौथे महीने से छठे महीने तक, या फिर 13वें सप्ताह से 21वें सप्ताह के बीच का जो समय होता है उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो ऐसे टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान ये इलाज करवाना सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर आपके दांत में दर्द है और आप फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं नहीं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपके दांत में दर्द है, तो और भी तरीके हैं जिससे कि आपके दांत के दर्द में आराम आ जाएगा,
तो डॉक्टर या तो आपको एंटीबायोटिक देंगे जिससे कि आपका इलाज टाला जा सके, या फिर जो इलाज करेंगे वो और भी सावधानी के साथ करेंगे। अगला है दांत निकलवाना। इसमें भी सभी बातें वही है जो कि दांत में फिलिंग करवाने या RCT करवाने के लिए ध्यान रखनी होती है। अब आगे हम बात करें तो अभी तक हमने जितनी परेशानियों के बारे में बात की वो तकलीफ देने वाली होती है। इसके अलावा अगर आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ब्लीचिंग करवाना, कैप लगवाना, ब्रेसेस लगवाना, वीनियरिंग करवाना, पर बेहतर यही होगा कि आप ये इलाज एक बार के लिए टाल दें। और मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके दांतों में पहले से कोई समस्या है जैसे कि टार्टर, दांतों में गलन या ऐसी कोई समस्या जिससे कि आपको आगे तकलीफ हो, तो उसका इलाज पहले ही करवा लें ताकि आपको आगे इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो हो सके तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट को आपके और आपके बेबी की कॉम्प्लिकेशंस और परेशानी ज्यादा अच्छे से पता होगी। ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का पता चल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।